नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां ध्यान, कर्म, करुणा और ज्ञान के महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। ये कहानी है अमित, रोहन और सरिता की, जो अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं एक बुद्धिमान भिक्षु सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ अपनी गहरी समझ और बुद्धिमत्ता से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हर समस्या के पीछे छिपा होता है एक संदेश, जिसे समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानियां और सीखते हैं कि कैसे हम भी ध्यान, कर्म और करुणा से अपने जीवन को संवार सकते हैं। मेरे दिमाग में इतनी उलझने हैं, जब भी कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करता हूं असफलता ही मिलती है। क्या ये मेरा कर्म है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मैंने कड़ी मेहनत की, फिर भी मुझे वो तरक्की नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। और मेरी समस्या थोड़ी अलग है, मुझे अपने जीवन का मकसद नहीं समझ आता। हर दिन ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। आओ बच्चो, मैं जानता हूँ कि तुम सब यहाँ कुछ उत्तर ढूंढने आए हो। हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है और हर कारण से हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है। चलो बैठो, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। पहले मैं तुम्हें ध्यान की शक्ति के बारे में बताता हूं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसे हर समय चिंता और अशांति महसूस होती थी। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही थी क्योंकि वह कभी भी वर्तमान में नहीं जीता था। उसका मन या तो भविष्य की चिंता में रहता था या अतीत के पछतावे में। मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। अर्जुन को एक दिन एक वृद्ध भिक्षु मिला। भिक्षु ने कहा, बेटा जब तुम खाना खाते हो तो बस खाना खाओ, जब तुम चलते हो तो बस चलो, अपना ध्यान हर काम में लगाओ, यही ध्यान है। अर्जुन ने भिक्षु की सलाह मानी। धीरे धीरे उसने वर्तमान में जीना सीखा और उसकी चिंताएं कम हो गई। अमित, तुम्हारी समस्या का समाधान भी यही है। यदि तुम अपना पूरा ध्यान हर काम में लगाओगे तो असफलता की आशंका घट जाएगी। तुम खुद को उस पल में पूरी तरह से डूबा पाओगे और यही तुम्हारी सफलता का रास्ता है। रोहन, तुम्हारी समस्या कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म केवल भूतकाल की घटनाओं का परिणाम नहीं होता, यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करता है। सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम राम था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह अक्सर सोचता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एक दिन एक साधु उसके गांव आया और उसने राम को बताया, तुम्हारे पिछले कर्मों का फल तुम्हें मिला है लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। यदि तुम निराश होकर काम करना छोड़ दोगे तो भविष्य में भी संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम कर्म करते रहोगे, धैर्य रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राम ने साधु की बात मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ सालों बाद उसे फसल की सबसे बड़ी उपज मिली। उसने समझ लिया कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। रोहन, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि अभी परिणाम नहीं मिले हैं तो यह समय और धैर्य की मांग करता है। सही कर्म हमेशा सही फल लेकर आता है। अब सिद्धार्थ सरिता की ओर मुड़ते हैं, जो कुछ हताश सी लग रही है। सरिता, तुम्हारी समस्या का समाधान करुणा और दया में छिपा है। एक बार की बात है, एक युवती जिसका नाम मीरा था, वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी। वह दूसरों की मदद करने के बजाय अपने बारे में सोचती रहती थी। उसे लगता था कि कोई भी उसकी मदद के योग्य नहीं है। मैं क्यों दूसरों की चिंता करूं?
हर कोई अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सकता है। लेकिन एक दिन मीरा ने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी थी। उसने पहली बार उसकी मदद की और उसे भोजन दिया। वृद्ध महिला की मुस्कान ने मीरा के दिल में एक बदलाव लाया। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे असली खुशी मिली। उसके जीवन का मकसद दूसरों के साथ करुणा से पेश आना बना और तभी उसे जीवन का अर्थ समझ में आया। सरिता, तुम्हारा जीवन का मकसद करुणा में छिपा हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी सार्थक हो जाता है। ध्यान, कर्म और करुणा, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान केवल एक गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। यह समझना कि हर क्षण हमें कुछ सिखाता है और हमारी बुद्धि और करुणा हमें सही मार्ग पर ले जाती है। एक साधारण कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें यह समझाता हूँ। एक बार एक राजा था जिसे ज्ञान की तलाश थी। उसने एक साधु से पूछा, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान तब मिलेगा जब तुम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखोगे। हर दुख, हर खुशी, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। राजा ने साधु की बात मानी और अपने जीवन को एक विद्यार्थी की तरह जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समझ गया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा है। इसलिए अमित, रोहन और सरिता, जीवन में जब भी कोई समस्या आए उसे ज्ञान प्राप्ति का एक अवसर समझो। ध्यान, कर्म और करुणा से युक्त जीवन तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां अंततः ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे हर काम में ध्यान केंद्रित करना होगा और मुझे धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि उनका फल जरूर मिलेगा। मुझे अब जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया है। करुणा और दया, तीनों ने सिद्धार्थ को धन्यवाद कहा और मठ से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उनके मन से सारी चिंताएं और असमंजस हट चुके थे। याद रखो, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब भी तुम्हें उत्तर की आवश्यकता हो तुम वापस आ सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि जीवन की हर चुनौती एक नए अवसर की तरह होती है। ध्यान, कर्म, करुणा और ज्ञान के माध्यम से हम अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने अमित, रोहन और सरिता को सिखाया, वैसे ही हमें भी यह समझना होगा कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन शिक्षाओं का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। ध्यान, करुणा और ज्ञान की इस यात्रा पर आपका साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद।